हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है आपके सामने। फाइव हॉर्सेस आर इन अ रेस, ठीक है। मिस्टर ए कोई भी आदमी है, सेलेक्ट्स टू ऑफ द हॉर्सेस, दो उसने घोड़ों को सेलेक्ट किया एट रैंडम एंड बैट्स ऑन दैम, दो घोड़ों को सेलेक्ट किया और उन पर बैट लगाया। प्रोबेबिलिटी दैट मिस्टर ए सेलेक्टेड द विनिंग हॉर्स इज, अब सबसे पहले तो टोटल आउटकम्स, क्योंकि स्टार्टिंग में कहा है चार घोड़े हैं और मिस्टर ए ने इनमें से दो हॉर्सेस को सिलेक्ट किया, तो फाइव हॉर्सेस में से टू हॉर्सेस को सिलेक्ट करने का तरीका है 5C2, और 5C2 को सॉल्व करेंगे तो शायद 10 आ रहा है, आप भी चेक कर लेंगे एक बार। अब आते हैं फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स में हम वो वाला हिस्सा लेते हैं जिसकी प्रॉबिलिटी हमें निकालनी है। अब कहा है कि मिस्टर ए ने जो है विनिंग हॉर्स को सिलेक्ट किया, तो आप ये देखें अगर फाइव हॉर्सेस हैं उनमें से चार हॉर्सेस तो हारेंगे, एक ही तो हॉर्स जीतेगा, लेकिन उसने कहा है कि उसने दो घोड़े सेलेक्ट किए तो ऑटोमेटिकली विनिंग हॉर्स को भी सेलेक्ट किया है उसने। बात समझ में आ गई होगी। तो अगर दो घोड़े सेलेक्ट किए और उनमें से एक घोड़ा जीत रहा है तो उसका सीधा सा मतलब है एक घोड़ा यहां से लिया होगा, एक घोड़ा यहां से लिया होगा। तो फेवरेबल आउटकम्स में क्या होगा कि चार में से एक लिया और जो जीतता है उसमें से एक लिया, तो ये हो गया हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स। तो अब हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास इसको सॉल्व करने से कितना आ गया, 4, इसको सॉल्व करने से 1, ये आ गया हमारे पास आंसर 4। तो आंसर आ गया 4/10, और अगर सॉल्व करोगे तो 2/5 आ जाएगा। तो ऑप्शन पे जाएं तो ये देखिए जो पहला ऑप्शन है हमारे आंसर से मैच कर रहा है, और इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है।